पहले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि घर ही घर दिख रहे, वो सिटी में आए थे, अब हम ये गांव का लेके आए हैं। थोड़ा गिर ना जाऊं मैं तो, जब हमें परमिशन मिलेगी ना तो फिर हम आपको एलओसी तक लेके जाएंगे, बाहर तो नहीं जाने देंगे। वेलकम टू बैक माई चैनल TM ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जम्मू द सिटी ऑफ टेम्पल, जम्मू मंदिरों का शहर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस ब्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसे मंदिरों में लेके जाऊंगी, तो फ्रेंड्स वैसे ही आज मैं आई हूँ हरे पीर बाबे में। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे बहुत ही हरियाली दिख रही है, पहले ब्लॉग में आपको काफ़ी घर टावर दिख रहे थे, आज मैं आई हूँ हरे पीर बाबे में। हरे पीर बाबे में आपको दिखाती हूँ मैं, हरे पीर बाबे में, वेलकम टू बाबा हरे पीर जी। ये आरसपुर जम्मू में ही है, जम्मू के आरसपुरा में कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर है, गाँव है एक, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे चारों तरफ गाँव ही गाँव है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अंदर लेके चलती हूँ, ये है हरे पीर बाबा जी। चलिए फ्रेंड्स, बैक साइड है तो मैं आपको फ्रंट पे लेके चलती हूँ, पहले आपको थोड़ा यहाँ का माहौल दिखाती हूँ। आपको वहाँ पे एक पुल दिखाई दे रहा होगा, उसके पास जो कि थोड़ा LOC है, वहाँ पे बहुत ही पास से पाकिस्तान दिखेगा, बट अभी हमें यहाँ पे परमिशन नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, जब तक हमें परमिशन मिलती है फिर हम आपको वहाँ पे लेके चलेंगे। अच्छा, आपको मैं हरे पीर बाबा लेके चलती हूँ, तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, प्लीज़ रिमूव योर शूज़ हेयर, मतलब हमें यहाँ पे अपने शूज़ उतारे होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम शूज़ उतारते हैं अपने, जैसे कि हम अंदर आए हैं अभी, ये उसकी बैक साइड है, तो अभी हम आपको फ्रंट में लेके चलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, हरे पीर बाबे में बहुत ही ज़्यादा रश होता है, यहाँ पे लाइनें जो है ना काफ़ी 2-3 किलोमीटर तक लाइनें लगी होती है, लोग यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एक और आए हैं, थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ। चलिए देखिए, तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, अंदर तो नहीं जाने होगा आई थिंक, डोर बंद है वो। चलिए मैं आपको यहाँ से दर्शन करवा देती हूँ। तो देखिए ये पीर बाबा जी है, बहुत ही मानी हुई जगह है, बहुत ही ज़्यादा, तो जैसे आपको दिख ही रहे होंगे ये हरे पीर बाबा जी हैं। यहाँ पे आप कोई भी विश मांगोगे तो वो विश हमेशा पूरी होती है। तो देखिए आपने, ये है हरे पीर बाबा, आरसपुरा से, आरसपुरा जम्मू में ही है, जम्मू में ही है आरसपुरा, तो आरसपुरा की कोई 10 किलोमीटर दूर एक गांव है सही, वहां पे ये हरे पीर बाबा है। देखिए फ्रेंड्स, चलिए चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पे एक और चीज़ की खासियत दिखाती हूं। देखिए पीर बाबे में और यहां पे शिवलिंग है, यह आपको ऐसी जगह कहीं पे दिखने को नहीं मिलेगी जहाँ पे पीर बाबा जी भी हैं और एक शिवलिंग भी है, यहाँ की यही खासियत है। यहाँ पे आपको पीर बाबा और शिवलिंग दोनों एक साइड दिखने को मिलेंगे, ऐसा ही बहुत ही कम जगहों में होता है, बहुत ही कम जगहों में। तो चलिए फ्रेंड, जैसे कि शिवलिंग के पार ही जाके आपको एक पार्क दिखाई दे रही है, चलिए हम वहाँ पे चलते हैं पार्क में, पार्क का रास्ता हम इस साइड से ही चलेंगे। तो चलिए, ये पार्क है, यहाँ पे बच्चे आते हैं खेलने के लिए, यहाँ पे आज तो मुझे लगता कोई भी नहीं है। तो चलिए देखिए व्यू, देखिए कितना अच्छा व्यू है, ऐसा व्यू तो आपको सिटी में तो देखने को मिलेगा नहीं, हर तरफ ग्रीनिंग। हाँ वो देखिए कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, चलिए हम चलते हैं उनके पास, देखिए आइए चलिए देखते हैं। वो देखिए कुछ बच्चे हैं जो दूर से देखिए मिल रहे हैं आपको, जूम करती हूँ, ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको इस जगह की एक और खासियत दिखाती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे झूले भी लगे हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पे झूले लेते हैं, कुछ बच्चे जो उधर थे पहले वो यहाँ पे झूले लेते हैं। यहाँ पे हेडपम्प देखिए, पहले आप यहाँ पे हेडपम्प भी लगा हुआ है, किस किस घर पे हेडपम्प है वो नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि कैसे पानी आता है इसमें से हेडपम्प में, पानी तो सेम ही आता है लेकिन कुछ हेडपम्प अलग तरह के होते हैं। ये हेडपम्प
में पानी जो होता है वो प्योर फिल्टर का पानी होता है जो आपको आर ओ या कैंट में मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक और जगह बताती हूँ जो इसकी खासियत है। यहाँ पे ये पुल है, यहाँ पे पानी काफ़ी ऊपर तक पानी है, ये पूरा एरिया भरा होता है यहाँ पे पानी के साथ। अभी नहीं होता आई थिंक, जब पानी जब मतलब कि बहाव आता है ना, जब यहाँ पे फ्लड आता है तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो यहाँ पे इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पे जब भी कुछ ऐसी बात हो, जैसे कुछ कुछ किराया हो या कुछ भी, लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं और यहाँ पे माना जाता है कि मतलब कि वो ठीक होके ही जाते हैं। मतलब कि ये आप जब आप यहाँ पे आओगे आपको पता चलेगा, फिर आप मानोगे। तो यहाँ पे देखिए दूर तक, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे एक पुल है वो सीधे LOC क्रॉस करता है, तो इसके पार आप जाओगे तो आपको पाकिस्तान दिखेगा। पुल के ऊपर लेके चलती हूँ, उसके पार नहीं जाएंगे बट हम पुल तक ही जाएंगे। यहाँ पे आप फोटो भी खिंचवा सकते हो, बहुत अच्छा व्यू है। आपको पुल के ऊपर लेके चलते हैं जो थोड़े गांव पार करके आ जाती है आगे। यहाँ पे हरपुर बाबा मिल रहा है, दिख रहा होगा आपको ग्रीन व्यू। हाँ, तो ये मैं पुल के ऊपर आई हूँ, ये अभी तो खाली है बट ये पूरा ऊपर तक भरा होता है। ये जब फ्लड आता है ना यहाँ पे तो पूरा, देखिए मेरे पीछे देखिए, जहाँ तक देखोगे आपको खेत दिखे दिखेंगे। पहले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि घर ही घर दिख रहे, वो सिटी में आए थे, अब हम ये गाँव का लेके आए हैं थोड़ा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो वो जो आपको येल्लो कलर के पौधे दिखाई दे रहे हैं वो सरसों है शायद से। अब हम नीचे तो नहीं जा सकते, नहीं नीचे की जगह नहीं है वो है, बट जब हमें परमिशन मिलेगी ना तो फिर हम आपको LOC तक लेके जाएंगे। बाहर तो नहीं जाने देंगे, लेकिन गिर ना जाऊँ मैं तो। मतलब कि यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे नहाने से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो दूर हो जाती है, आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो देख रहे हैं आप मेरे पीछे, तो अब इसके पार तो नहीं हम जाएंगे। चलो, बहुत ही लंबा पुल है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और बताना आप कमेंट करके कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। बाय बाय।